अंदर और बीच में आ जाओ। सर जो संवेदनशील जो जगह हैं जो उसके पहले जहाँ से सीए के मामले पर सवाली हुई थी उन स्थानों को लेकर भी क्या किया गया? जो पूरे में ऐसे स्थल जहाँ पे किसी प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं उसको लेकर विशेष तौर पर हमारी निगरानी और सतर्कता है। वहाँ पर हमारी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट की टीम की अलग से सुरक्षा लगाई गई है और उन स्थलों पर हम लोगों ने संवाद के माध्यम से लोगों से बात करनी है किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई इस तरह की कोई चीज़ है दिखाई दे की जाए लेकर कोई आपको नहीं है और पूरी तरह से शांति प्राप्त है और आगे प्रशासन के लिए आपकी बात दो टास्क है क्योंकि अग्निपथ को लेकर के भी विरोध जो छात्र कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं और जुमे की नमाज भी है, तो किस तरीके से आप इससे निपटेंगे? अग्निपथ के छात्र जुमे के लेकर जो हमारी तैयारी है इसके अलावा अग्निपथ के बारे में भी जो छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है जो छात्र हैं तो उनसे भी हम लोग वार्ता स्थापित कर रहे हैं। खासकर देहात क्षेत्रों में ज़्यादा इस तरह के प्रतियोगी हैं तो सभी SDOs को और सभी CEOs को जो देहात के हैं सभी थाना इंचार्ज उनको सबको सैनिटाइज किया गया है और सबको लगातार इनसे संवाद स्थापित करने के लिए और आगे पास स्कीम क्या है उसके बारे में लोगों को समझाने के लिए बताया गया है और साथ ही जो लोगों के में अग्निपथ स्कीम को लेकर एक भ्रांतियाँ हैं उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इसको लेकर भी हम सोचते हैं कि गोरखपुर शहर का कोई माहौल नहीं बढ़ पाएगा।